बड़का गांव झारखंड राज्य के विधानसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र है। हजारीबाग जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर तीसरे चरण में 12 दिसंबर को चुनाव होना है। इस विधानसभा सीट पर शुरुआत से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच कब्जे को लेकर जंग चलती रही। 2005 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी। फिर 2009 और 2014 के चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीनकर अपने कब्जे में ले ली। वहीं 2019 के चुनावों की बात करें तो इस सीट से भाजपा ने इस बार पूर्व विधायक लोकनाथ महतो पर भरोसा जताया। निर्मला देवी की बेटी अंबा प्रसाद ने कांग्रेस से मोर्चा संभाला। वहीं आजसू पार्टी से लगातार तीसरी बार फिर गिरिडीह सांसद के सांसद और झारखंड के पूर्व मंत्री रहे चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी भी मैदान में हैं। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है। AIMIM ने प्रीतम सिंह को उम्मीदवार बनाया तो वहीं जदयू ने विनोद राणा को प्रत्याशी बनाया। बड़का गांव विधानसभा सीट की मतदाता संख्या पर नजर डालें तो 2019 में सीट पर कुल 3,34,540 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाता संख्या कुल 1,79,541 है और महिला मतदाता संख्या कुल 1,54,999 है। साल 2014 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला देवी ने आजसू उम्मीदवार रोशन लाल को हराकर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की निर्मला देवी को सीट से कुल 61,817 मत मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे आजसू उम्मीदवार रोशन लाल कुल 61,406 मतों से दूसरे स्थान पर रहे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे GMM प्रत्याशी संजीव कुमार को 32,496 वोट मिले थे। वहीं साल 2009 के चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार योगेंद्र नाथ ने भाजपा प्रत्याशी लोकनाथ महतो को हराकर अपनी जीत दर्ज की थी। योगेंद्र नाथ कुल 38,683 मतों से पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के लोकनाथ महतो को कुल 37,319 मत मिले थे। वहीं आजसू पार्टी के उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी 26,945 मतों से तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं साल 2005 के चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लोकनाथ महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार योगेंद्र साव को हराकर अपनी जीत दर्ज की थी। लोकनाथ महतो कुल 47,283 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के योगेंद्र यादव कुल 30,902 वोटों से दूसरे स्थान पर थे। तीसरे स्थान पर रहे भाजपा के रमेंद्र कुमार को कुल 23,992 वोट मिले थे।